चलिए देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 5.5। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। यहां लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू x की पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। तो u और v ये इस तरह से हो रहा है, u is equal to x की पावर x एंड v is equal to 2 की पावर sin x। अब ये हो गया y is equal to v u minus v, y is equal to u minus v, differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमें dy by dx निकालना है, तो dy by dx क्या हो जाएगा, du by dx minus dv by dx, ठीक है। तो du by dx निकालेंगे पहले, तो ये कैसे निकलेगा, u is equal to x की पावर x है, ये रखा है, पहले क्या करेंगे, जब x वाली टर्म जो है वो पावर में दे रखी है तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log u is equal to log x की पावर x, log u is equal to ये x की पावर में x लिखा हुआ है, ये फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x, x log x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों तरफ, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, d by dx of log u is equal to d by dx of x log x, ये हो गया। तो log u को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 upon u, और फिर फर्दर u को डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा du by dx, d by dx of x log x। तो x और log x की दो टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब डी यू बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़िए, और ये u है कि u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u ऐसे आ गया और यहाँ हो गया x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x, भाई लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x, और d by dx of x is 1, ये हो गया। तो du by dx is equal to u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो x की पावर x इधर x से x कर दिया, ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। ये हमारे पास आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या, ऑनलाइन वाले बताएंगे जरा, कोई प्रॉब्लम किसी का, अथर्व अभी बताना, अभी बताना, अभी ठीक है, ठीक है,
एक्चुअली ये तो du by dx is equal to x की पावर x into 1 plus log x, तो ये तो du by dx हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर निकालना है dv by dx। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अच्छा v क्या है, v है 2 की पावर साइलेंस। तो अगेन x वाला टर्म जो है वो न्यूमरेटर में है, वो सॉरी पावर में है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग v इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर साइन x, तो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में जो टर्म होती है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग v equal to sin x log 2, अब differentiate both sides with respect to x, x के respect में दोनों तरफ differentiate करें, तो d by dx of log v is equal to d by dx of sin x तो log 2, ये जो log 2 है तो constant हो गया ना, इसलिए इसको bracket में डाल दिया। log 2 तो ऐसे तो जाएगा, सिर्फ sin x का differential हो जाएगा इसको। और जब d by dx of log v करेंगे तो log का differential क्या होता है, 1 upon v, log के आगे जो भी चीज़ लिखी है वो उसको denominator में ले आता है, तो 1 upon v, और फिर v का differential हो जाएगा dv by dx is equal to either log 2 will remain as it is और sin x का differential हो जाएगा cos x। ठीक है, अब डी वी बाई डी एक्स को इधर छोड़ दिया, अरे जो डिनोमिनेटर में वी है ये इधर चला जाएगा, तो वी इंटू लॉग टू कॉस एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, अब वी क्या था, टू की पावर साइन एक्स, टू की पावर साइन एक्स लॉग टू कॉस एक्स, ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। Substitute the values from equation 2, substitute the values from equation 2 and equation 3 in equation number 1. तो इक्वेशन 2 और 3 में से जो वैल्यूज हैं du और du by dx और dv by dx की, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास dy by dx आ जाएगा, dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx, du by dx is x to power x into 1 plus log x minus dv by dx is 2 की पावर sin x to log 2 cos x, ये इसका फाइनल आंसर है dy by dx। बताइए जी क्लियर, अच्छा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लग तो नहीं रहा आप लोगों ने करा होगा, इतने बच्चों ने कर लिया है, बाकी बताएंगे हो गया नहीं हो बताओ ना फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x प्लस x की पावर, प्लस x की पावर में लिखें 1 प्लस 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन x, ये है। ठीक है, अब क्या करें, फिर वही काम करना है, लेट इसको पूरे को u मान लो, क्योंकि पावर में x वाली टर्म दे रखी है, इसमें भी पावर में x वाली टर्म है, तो पूरे को v मान लो, let u is equal to x plus 1 upon x की power x and v is equal to x की power
और प्लस वन अपॉन एक्स यू हो गया और वी हो गया, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, तो जो u है u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर x, x प्लस वन अपॉन x की होल पावर x। तो पावर में x वाला टर्म दिखाई दे रहा है, जब भी पावर में x वाला टर्म दिखाई देता है तो इन दोनों तरफ लॉग देते हैं, log on both sides, the log u is equal to log x plus 1 upon x, log x plus 1 upon x ki whole power x, log u is equal to ya again log x plus 1 upon x ki whole power x, theek। ab ye jo x hai front par multiply ho jayega, x log x प्लस वन अपॉन एक्स हो गया, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। लॉग यू का डिफरेंशियल वन अपॉन यू, फिर यू का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स, ठीक। जहाँ भी अटको ना उनको बता देना। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर दो हमारे पास दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो x है और एक ही पूरा फंक्शन है लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स, तो दोनों का दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट टू लगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले x एज इट इज dy dx of log x plus 1 upon x, पहले x as it is into dy dx of second function, समझ रहे, plus log x plus 1 upon x as it is into dy dx of first function, यानी कि dy dx of x, ठीक। अभी अभी चलते हैं, डी एक्स को उधर छोड़ दो, यू को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा इस तरह से, डी यू बाई डी एक्स को उधर छोड़ दिया, यू को इस तरफ ले गए, अब एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो जब डी बाई डी एक्स हो रहा है डिफरेंशियल हो रहा है लॉग का, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में आ जाए, क्या हो जाएगा, वन अपॉन x plus 1 upon x, ठीक है। ये क्या हुआ, ये x तो as it is था, d by dx ये log का differential हुआ, तो log x होता है तो वो 1 upon x बना देता है, तो log x plus 1 upon x है तो 1 upon x plus 1 upon x, log के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको भी denominator में ले आएगा, 1 upon x plus 1 upon x, ये हो गया। तो ये तो आपने log को differentiate करा है ना, log को, अब x plus 1 upon x को differentiate कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं d by dx of x plus 1 upon x,
ठीक, उसके बाद प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में वन, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा इसको करते हैं सिंप्लीफाई, और डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा बड़ा है तो यू को अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में यू की जो वैल्यू है वो लिखते हैं लास्ट में, लिखते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये एक्स है और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एलसीएम लेंगे एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशियल वन, और याद रहे वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा कि ऐसे मैंने क्यों लिखा है, प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अभी के लिए बस ये याद रखिए, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ऐसे ही वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कैसे है मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा दूँ, मैं पहले ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है कि एक्स बराबर है का, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स, ये एक्स इधर आ गया एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया ना, प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब इधर ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यू की वैल्यू लिख दीजिए क्योंकि अब और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, तो यू की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, यू की वैल्यू होगी, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स हो गया। ठीक, अभी डी यू बाई डी एक्स हुआ है, उसके बाद हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बता दीजिए भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, क्या मल्टी टास्किंग में लग रही है तो उसको नोट कर लिया है, तो कर लिया एक से। और उसके बाद अपना देखिए v इज इक्वल टू x की पावर वन प्लस वन अपॉन x, x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये वी की वैल्यू दे रखी है। अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें हम, इसमें भी फिर वही है कि पावर में जो है पावर में एक्स वाली टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, देखिए लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखिए लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा हुआ है उसकी पावर में जो है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग वी इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स की हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का तो डिफरेंशियल यही होता है कि लॉग के आगे जो भी लिखा होता है उसको वो डिनोमिनेटर में ले आता है।
ये हो जाएगा मतलब अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं लगेगा, पहले 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस upon x, तो dv by dx अब denominator में v है इसको उधर ले लेंगे, ये हो गया 1 plus 1 upon x into d by dx of log x, ये हो जाएगा 1 upon x plus log x as it is for d by dx of 1 plus 1 upon x, तो 1 का differential is 0 plus 1 upon x का differential होता है minus 1 upon x square, सीधा difference minus 1 upon x square, ये bracket पर लिख दिया हमने, इसके बाद d by dx is equal to v into x की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू
x plus 1 minus log x. बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, ये बॉर्डर इतने वाले क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो सब बिखर जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर पाएंगे कि नहीं, इसमें भी दो अलग अलग फंक्शन लेकर करना पड़ेगा। यू और वी मोबाइल फोन में पीडीएफ भी होती है, मोबाइल फोन में बुक भी
अभी ट्राई कर रहे हैं और हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि बच्चे ने तो नोट करना ना, आगे पीछे के बच्चे से लेकर अगर करना चाहते तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y is equal to log x, log x की होल पावर x है, log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x, x की पावर log x कम लीजिएगा। लेट is equal to log x e power x and v is equal to x e power log x, ये हो गया। तो y is equal to u plus v, differentiate both sides with respect to, differentiate both sides with respect to x, to dy by dx by dx plus dv by dx, ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब u और v को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, देखिएगा किस तरह से। So d by dx of log u is equal to d by dx of x into log of log x, है ना? एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log u का डिफरेंशियल log u d by dx, we call it first function as it is, d by dx of log of log x plus second function, yani ki log of log x as it is into d by dx of x, d by dx, ab ye u udhar chala gaya x as it is, और d by dx of log of log x, जब log को differentiate करेंगे तो ये log के आगे जो भी लिखा हुआ है वो denominator में आ जाएगा, ये
ये बन जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। फिर लॉग को तो डिफरेंशिएट कर दिया, और लॉग के आगे फिर से लॉग एक्स लिखा हुआ था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक। तो इतना हो गया, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, दैट इट गोज u by dx is equal to u into x into 1 upon log x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon x। अब ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, x मल्टीप्लाई बाय 1 upon log x मल्टीप्लाई बाय 1 upon x, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, प्लस log of log x, ठीक है। तो du by dx क्या हो गया, u की वैल्यू, की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की होल पावर एक्स, ब्रैकेट में 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है, सही है जी, क्लियर। अब इसी तरीके से वी की वैल्यू निकालेंगे, तो वी इज इक्वल टू, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, v is equal to x की पावर log x, v is equal to x की पावर log x, ये है। तो फिर से वही काम करने के लिए log on both sides, लेकिन log on both sides से क्या हो जाएगा, log v is equal to log x की पावर log x, log x की पावर log x, तो log v is equal to log के आगे जो भी टर्म लिखा है उसकी पावर में जो भी है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x into log x, ये हो गया, ये समझ गए। ये क्या हो जाएगा, log x into log x, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, पावर टू होती, लॉग के आगे जो लिखा हुआ टर्म है अगर उसकी पावर होती कुछ भी वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है, ये नहीं होगा। अब लॉग वी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी, और फिर वी का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। इसके बाद जब लॉग एक्स का होल स्क्वायर है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग एक्स जो है ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा जैसे एक्स हो, तो एक्स का स्क्वायर उसका क्या होता है, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स, ये हो गया टू लॉग एक्स। तो अभी तो मैंने पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है, तो अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यानी कि चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो पहले उसको एक्स स्क्वायर मानते हुए पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो टू एक्स यानी कि टू लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टू लॉग एक्स
d by dx of log x is 1 upon x. Now b kya tha mere paas x ki power log x. X ki power log x into 2 log x upon x. Equation number 8. Substitute. The value of equation 2 and 3 in equation 1. Equation 2 of 3 की जो value है, वो आप equation 1 में substitute करें, तो dy by dx du by dx, तो du by dx ही आया था log x की power x. सेपरेट दूसरी नोटबुक में करके देखो, तब जाकर वो चीज़ ना दिमाग में बैठती है. तो सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने एक बार कर लिया, यहाँ पर आ गया है समझ में, तो भूल जाओगे आधे पौने घंटे बाद या नेक्स्ट डे तक तो बिल्कुल ही निकल जाएगा. तो आप अभी अगर आज ही अगर आधा घंटा निकाल कर इसको कर लें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था कि जैसे 1/x का मैंने डिफरेंशियल लिया था तो वो -1/x2 तो ऐसे ना एक पैटर्न होता है, तो याद रखेंगे कि जैसे हम ये कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये हो जाएगा -1/x2. ऐसे ही अगर है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x2, तो ये हो जाता है -2/x3. ठीक ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x3 है, तो जो भी पावर है ना, जैसे यहाँ पर पावर क्या थी 1 3, तो 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन -1. ठीक, और नीचे वाले की एक पावर बढ़ जाएगी तो x2. ऐसे ही जैसे x की पावर 2 है तो ये तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में विद अ नेगेटिव साइन, और जो नीचे वाला था उसकी एक पावर बढ़ जाएगी. सेम काम यहाँ पर -3/x4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से होगा. अब किसी भी चीज़ को आप करके देख लीजिए, जैसे 1/x है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसका मतलब क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस वन. भाई x की पावर कौन है, ऊपर आकर x की पावर माइनस वन. एक्स की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन. तो -1 x की पावर -1 -1, -1 x की पावर -2, तो -1 और x की पावर -2 नीचे आकर x2, ये -1/x2 बन गया इस तरह से. ठीक है, ऐसे ही अगर 1/x2 होगा तो उसको क्या लिखेंगे, x की पावर -2, तो क्या बन जाएगा -2 x की पावर -2 -1, -2 -1 मतलब x की पावर -3, वो डिनोमिनेटर में आकर -2/x3 बन गया. तो ये पैटर्न आप याद रखिएगा, अगर कभी भी मेरे को डिनोमिनेटर में, मान लीजिए मेरे को मिलता है डिनोमिनेटर में x की पावर 10 लिखा हुआ, 1/x10 हो गया, उसका क्या हो जाएगा -10/x11. मतलब जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी एक पावर बढ़ा दो, और डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको न्यूमिनेटर में लिख दीजिए विद अ माइनस, ये होता है. ठीक है, इस वजह से मैंने 1/x का डिफरेंशियल सीधा -1/x2 लिख दिया. ठीक, चलिए जी आज इतना कर लीजिए, आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे ट्राई करिए, जो पुराने हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर करना, ये करे हुए क्वेश्चन भी दिमाग से निकल जाते हैं, इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है.